आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे, ये स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है, ये स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है।